हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। माय नेम इज़ वंशा सक्सेना एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सॉरी गाइस, ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज ये महीना, मैं कह सकता हूँ कुछ दिन नहीं है, महीना काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, बट ये इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा कि बस इतना समझ लो कि मतलब ये महीना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रहा है मेरे लिए। इस महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं भाई। इस महीने काफ़ी पढ़े भी हैं एंड काफ़ी हमने अलग चीज़ें भी करी हैं, एंड इस महीने हमने रूम के साथ भी मैंने अपने कुछ बढ़िया चेंजेस करे हैं, जो कि आपको सब इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, प्यारे से व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो जो कहानी जहाँ छूटी थी वहीं से थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, वहीं से पकड़ने की उसको कोशिश करते हैं। भाई, कावड़ की छुट्टियों पे हम थे, आपको पता होगा, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर पिछले व्लॉग के अंदर कावड़ की छुट्टी चल रही थी, उसको मैं समअप करने की कोशिश करता हूँ कि भाई व्लॉग डालने के बाद वो दिन मेरे लिए इतने जितने बचे हुए दिन थे छुट्टी के, 10 दिन की छुट्टी पड़ी थी हमारी कावड़ की, मैंने आपको नहीं पता हो तो बता रहा हूँ। तो उस बीच में काफ़ी कुछ चेंजेस आए देखने को मिले। जिन लोगों को नहीं पता, मेरे जो कॉलेज में जिम है वहाँ पर मैं रेगुलरली जाता हूँ, बट जब मैं अपने घर पर आ जाता हूँ, जैसे 10 दिन की छुट्टी पड़ी थी तो मैंने यहाँ पे एक सेपरेट जिम ज्वाइन कर लिया था, जहाँ जिससे बीच मतलब जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो सके। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ जिम एंड आज लेग है, एंड बहुत दिन बाद मैं लेग कर रहा हूँ। तो बैग भी मैंने बहुत दिन बाद करी थी, बट आज लेग कर रहा हूँ। मैंने आपको नहीं बताया, मैं 10 डेज के लिए जिम ज्वाइन किया था, तो अभी मैं लेग करने जा रहा हूँ पहली बार। बहुत दिन बाद जिम के स्टार्ट के बाद मैं बीच में लेग मिस कर दिया था, छोड़ दिया था, अब लेग करेंगे आज, लेग डे आज, तो दर्द भी काफ़ी होगा, तो मज़ा आएगा आज के वर्कआउट के अंदर। सो चलते हैं जिम भाई। अपना जिम चेंज कर लिया है, पहले जिसमें जिम में जाता था वो अब नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरा जिम ज्वाइन कर लिया है। एंड 10 डेज़ के लिए कावड़ की छुट्टी के लिए, तो 10 दिन के लिए दूसरा जिम ज्वाइन किया है, तो इसलिए पास में तो मैं पैदल पैदल चला जाता हूँ, तो थोड़ा कार्डियो भी हो जाता है। तो वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, एक एक सीढ़ी का हिसाब लग रहा है मेरे को कि मैं कैसे चढ़ रहा हूँ। दर्द हो रहा है बहुत, भैया दिमाग खराब हो रहा है। चलते हैं, यहाँ पे इंडियन ढाबा कंपनी है, ये क्या चाह रहे हैं मैं खाऊँ, ये क्या चाह रहे हैं मैं सीधा खा लूँ, जिम से आकर कुछ। जैसे कि आपको पता है भाई, घर पे आ जाते हैं एंड जब छुट्टी होती है तो घर पे पढ़ने की पूरी कोशिश करी जाती है, तो मैं घर पे पढ़ने की मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि एंड यहाँ पे कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करूँ, एंड जितना भी अगर मुझे लग रहा है कोई बैकलॉग हुआ हो पिछले कुछ महीनों के अंदर, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे नहीं आते या थोड़ा वीक है, जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके थे मैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था, एज़ वेल एज जो टॉपिक होने वाले थे, या फिर मुझे लग रहा था कि हाँ अब ये वाला चैप्टर या ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, मैं उसको एक बार इनिशियल में एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहा था बुक से कि हाँ भाई देख लूँ कि क्या क्या ओवरव्यू ले लूँ, जिससे वहाँ जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो, एंड जब मैं एक बार कॉलेज वापस जाऊं तो एक थोड़ा एक पंप के साथ जाऊं, थोड़ा एक मोटिवेशन के साथ जाऊं, हाँ भाई अब थोड़ा बहुत हमने जो मुझे बैकलॉग था वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है। घर आया हूं तो भाई एंटरटेनमेंट तो हो गई, ऑब्वियसली बात है भाई, वाईफाई की फुल तगड़ी स्पीड के साथ, तो थोड़ी बहुत भाई वेब सीरीज ये सब देखना तो बनता है। तो मैं फैमिली मैन देख रहा था, मैंने फैमिली मैन नहीं देखी, आपने तो देखी नहीं देखी बताना कमेंट्स में, मैंने फैमिली मैन नहीं देखी थी, मैंने सीजन 1 कंप्लीट कर लिया था मैंने फैमिली मैन का, सो वो मैं देख रहा था। एंड यहाँ पे मेरे टर्मिनल्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन एक अलग तरीके की चल रही थी, तो मैं सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था कि भाई टर्मिनल्स तक थोड़ा सारा कोप अप कर लूँ, क्योंकि टर्मिनल देखो 3 टर्मिनल होते हैं वैसे हमारे कॉलेज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर कॉलेज 3 टर्मिनल होंगे, टर्मिनल 1, 2 एंड 3, एंड ऐसे टर्मिनल 1 ऑलरेडी हो चुका है, 2 में हमारा क्या अभी तक जितना भी सिलेबस हुआ है 6 महीने के अंदर, वैसे भी 5 या 6 महीने हुए हमें कॉलेज में, हमने 14 फेब को ज्वाइन किया था, हाँ, तो जितना भी सिलेबस अभी तक हो रखा है वो सारा आएगा। तो एक रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का डेफिनेटली भूलते जाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पे रिवाइज करूँ पीछे की चीज़ें जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो जब टर्मिनल आए। सो हेड एंड नेक यहाँ पे ऑलरेडी कॉलेज में स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे थोड़ा पहले से पढ़ के चले जाओ, तो यहाँ पे मैं प्रेपलेटर से पढ़ रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखो इसमें क्या मुझे अच्छी क्या बात लगती है, देखो इसमें क्या होता है, मैं वीडियो लेक्चर जो देखता हूँ है ना, वीडियो लेक्चर्स में दोनों मोड होते हैं, इंग्लिश एंड इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश भी प्रीफर करता हूँ, इंग्लिश भी प्रीफर करता हूँ। जैसे मुझे मन करता है भाई इंग्लिश में अच्छे से कुछ समझा दे, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं हेड एंड नेक की एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल की वीडियोस देख रहा हूँ, जिससे मुझे थोड़ा पता लग जाए, थोड़ा ये टफ टॉपिक है तो मैं थोड़ा पहले से पढ़ लूँ, तो इसलिए मैं प्रेपलेटर के थ्रू वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ जब मैं नोट्स इसके जब साथ साथ नोट्स बनाता हूँ, तो साथ साथ ये रहता है कि हाँ अच्छे अच्छे नोट्स बनते रहते हैं, तो रिवाइज में जब क्लास में बैठे हैं थोड़ा मन नहीं लग रहा तो उसी नोट्स को रिवाइज कर लो चुपचाप। एंड तीसरी बात,
जब मैं वीडियोस देख लेता हूँ, जैसे कोई टॉपिक की वीडियो देख ली तो उसका क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसके साथ साथ कोशिश करता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन बैंक भी लगाता चलूँ। प्रेपलैडर के अंदर मुझे ये बहुत अच्छा फीचर लगता है कि जैसे इनके क्वेश्चन बैंक जो है ना, तो क्वेश्चन बैंक के साथ उसके रिलेटेड थ्योरी आ जाती है कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन ये है, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये हो सकते हैं, ये जो मुझे अच्छा लगता है ना। बुक मार्क भी लगा सकता हूँ मैं, तो देखो बुक मार्क लगा के चलता हूँ, जिससे मैं लास्ट में जब मैं क्वेश्चन, जैसे मान लो 17-18 क्वेश्चन है उसमें एक दो जो बुक मार्क है तो मान लो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो पहले बुक मार्क वाले क्वेश्चन कर लो चुपचाप। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है एंड जिससे मोटिवेशन भी ठीक ठाक बढ़ा रहता है। पहले मैं वीडियो लेक्चर देख लेता हूँ प्रेपलैडर से, फिर मैं उसके क्वेश्चन बैंक कर लेता हूँ और नोट्स तो मैं साथ साथ बनाए रहा हूँ। सो मुझे इस बात पे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है एंड आप में से काफ़ी लोग पूछते भी रहते, तो मुझे प्रेपलैडर काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैं वही यूज़ करता हूँ। एंड इन कवर की छुट्टियों के लास्ट में भी मुझे कोल्ड हो गया था, तो भाई जब थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो भाई पढ़ाई नाम की जो चिड़िया है उससे थोड़ा दूर हम हट जाते हैं, तो इसलिए लास्ट के 3-4 दिन तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए थे क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा था। बट जब भी मैंने पूरी मेहनत करने की कोशिश करी कि हाँ मैं कोल्ड हो रहा है, बट जब भी मैं पढ़ूंगा बट यही बात है कि भाई कितना ही पढ़ लोगे कोल्ड में, ऐसे करते रह जाओगे या, तो बस यही कन्फ्यूजन था। इसलिए मैं थोड़ा, मेरा वहाँ पे पढ़ाई का रेशियो थोड़ा कम हो गया लास्ट के 3-4 दिन में, और वो फाइनली दिन आ गया था जब मुझे अपने कॉलेज वापस जाना था। गाइस क्लास ओवर हो चुकी है हमारी एंड अभी हम जा रहे हैं धूप में, धूप में देवेंद्र भाई के साथ। कहाँ जा रहे हैं बताइए सिद्धांत भाई? खाना खाने जा रहे हैं। आज क्या बनाया खाने बताइए आप? कड़ी। और रात में क्या? आज का खाना सबसे अच्छा होता है। हाँ आज सही, बहुत ही प्यारा होता है। अरे एंड गाइस फाइनली एसी लग चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। पर शायद कुछ रूम शिफ्टिंग का भी सीन चल रहा है, वो एक बार देखना पड़ेगा क्या है, बताता रहूँगा आपको, अपडेट देता रहूँगा मैं। गाइस सिद्धांत भाई रॉकिंग करोगे? सिद्धांत भाई करो, प्रॉपर सिद्धांत भाई करो। आप लोग टर्मिनल्स का प्रेशर तो समझ सकते हो, जिन लोग जो सब लोग समझ सकते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बहुत ज़्यादा सरदर्द रहता है क्योंकि इतना सारा सिलेबस एक साथ कवर अप करना होता है, तो यहाँ पे रिवीजन का जो रेशियो बहुत ही तगड़ा चल रहा था एंड मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी जल्दी सब चीज़ जब एक साथ ले लूँ एंड और जल्दी से रिवाइज कर लूँ सब चीज़ें ना, बट वो सिर्फ सोचने में और करने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो जितना मैं सोच रहा था उस स्पीड से नहीं हो रहा था बट हो रहा था, तो इसलिए वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था इन दिनों कि हाँ भाई रिवाइज भी थोड़ा थोड़ा बहुत होता जा रहा है। एंड एनाटॉमी तो भाई हम पढ़ ही रहे थे साथ साथ, वो तो पढ़नी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि मैं इन कॉलेज के आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा था। अब घर से वापस आ चुके हैं। एक घंटे के अंदर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जल्दी हो जाएगा। क्या कह रहा है? देखो गाइस अब हमें ये आधे घंटे के अंदर जल्दी से वन शॉट फिर उसके बाद हमें आना है एचएमपी शंट पे। ठीक है, ठीक है। इन दिनों बीच में भाई काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कॉलेज में, ऐसा भी हो भाई कॉलेज जाना मुश्किल भी हो रहा था, बट हम गए कॉलेज, ऐसी कोई बात नहीं। हम भाई छाता लेके चप्पल पहन के पर गए। जी हाँ, हम चप्पल पहन के भी गए थे क्योंकि भाई पानी थोड़ा भर गया था ना, तो इसलिए हमने कहा हम तो जाएंगे, हम इतने पढ़ाकू बच्चे हम गए और हम जाएंगे। ठीक है ना, मज़ा आया, एक नया एक्सपीरियंस है। अगर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो आपको मज़ा बहुत बड़ा आएगा, है ना। भाई बारिश होती रहती है काफ़ी मेरे कॉलेज के आसपास, तो इन दिनों मैंने ये कुछ नया एक्सपीरियंस किया है ना, बारिश में कॉलेज जाना। तो फिर हमारे बीच में एक दिन प्लान बन गया था, हम 4 दोस्तों का। क्या प्लान बन गया भाई? थोड़ा बाहर बाहर जो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट बनता है, एंटरटेनमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन MBBS। तो गाइस आज हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताइए? गाइस आज हम CR के साथ आए हैं, मैं जा रहे हैं, आए क्या हैं और बताइए CR क्या हाल है? हाँ वैसे भाई, हाँ कंटेंट गाइस हमारे नए रूमी कैसे हो भाई? पता ही नहीं कौन सा रूम मिल रहा है, रूम ही है नए। अब क्या है ना, जब से मैं इस कॉलेज में आऊँ, मैं सबवे कभी मैंने ट्राई किया नहीं है। वैसे मैं सबवे में जब यहाँ आसपास भी, जब अपने घर के आसपास जाता हूँ, मैं कभी इतना मुझे पसंद है नहीं। सो जो यहाँ पे हमारे प्रत्यक्ष शर्मा जी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, आपने देखा होगा है ना, अभी आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा और आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा, तो इन्होंने कभी आज सबवे चलते हैं क्योंकि इन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे से, मतलब इनको ना, मतलब देखो मुझे इतना आइडिया है नहीं सबवे का, बट ये अच्छे से बता देता है कि हाँ ये वाली सॉस डालो, ये डालो, वो डालो, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो हमने कहा चलो चलते हैं आज, ठीक है। एंड उस दिन हम गए थे बाहर, है ना, बड़ा मजा सा आया एंड सबवे में बैठे हम लोग। एंड यहाँ पे सिद्धांत जी हमारे पोज बना
बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई कैमरे के लिए मैं बढ़िया सा पोज बना दूँ, है ना, कि भाई अच्छा लगूँ व्लॉग में, ठीक है। बट यहाँ पे सबवे सबका आ गया था, अच्छा मतलब मुझे टेस्ट अगर बोलो, एक्सपीरियंस बोलो सबवे का, तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे एक नया ट्विस्ट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ से मेरे एक अलग एक्सपीरियंस स्टार्ट होने वाला है इस MBBS लाइफ के अंदर, जो कि मैंने अलग से अच्छे से फेस किया, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं एक दिन ऐसे रैंडमली बैठा हुआ था, तो एकदम से क्या हुआ, मेरे भाई का स्नैप आया और उसने व्हाट्सएप मुझे फोटो भेजी थी अपने हॉस्टल की रूम की, ठीक है, और उसका रूम की फोटो कुछ इस प्रकार थी। अब इस फोटो को देख के थोड़ा मैंने अपने आंखों से अपने रूम को आसपास देखा कि भाई मेरा रूम क्या है, और फिर मैंने अपने रूम को देखा, मैंने कहा उसकी रूम की रेटिंग 9 out of 10 है ना, और मेरी रूम की रेटिंग 1 out of 10 है, तो 9 and 1 में तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे भी अपना रूम अच्छा करना है, तो मेरा सैटरडे संडे तो आने वाला था, तो मैंने कहा भाई इस बार घर निकलते हैं फटाफट से और थोड़ा सामान लेके आते हैं घर से, है ना, अच्छा सा कुछ, है ना, और रूम को थोड़ा डेकोरेट करते हैं बढ़िया से। तो मैं घर आया था एंड सबसे पहली चीज़ मैंने जो ली थी वो ली थी एलेक्सा। हमारे हुए हैं मॉल में और मैं आज एलेक्सा लेने आया हूँ और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आए हैं। एलेक्सा के साथ साथ मैंने कुछ यहाँ पे एक दो लाइट्स ली थी, जो वो नहीं होती स्ट्रिप लाइट्स होती हैं, है ना, तो वो ली थी। मैंने कहा भाई रूम को, अब देखो लाइट्स मैंने उसके फोटो में देख ली थी, मैंने कहा अब तो भाई अपने रूम को ऐसा बनाना है कि सब देखते रह जाएंगे। तो वापस मैं कॉलेज गया, भाई अब देखना यहाँ पे मैंने कोशिश करी मैं अपने रूम को भाई यहाँ से यहाँ बना दूँ, मतलब बिल्कुल 1 to 9, 1 to 10 तक कैसे ले जाऊँ, ये अब जर्नी देखोगे अब मेरी, कि मैंने रूम को अपने कैसे साफ किया, ठीक। तो मेरा रूम साफ होने से पहले कुछ इस प्रकार था, ठीक है, एंड साफ होने के बाद बताऊंगा कैसा था, अभी नहीं बताऊंगा, पहले देखो, ठीक है। देखो भाई लाइट तो आने रखी है आज, ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ी लाइट गई हुई है थोड़ी देर के लिए, तो अभी पंखे वंखे थोड़ी देर के लिए नहीं चल रहे हैं, बट अभी मैंने डिसाइड किया है। देखो रूम की हालत बहुत ही गंदी हो रखी है, आपको नहीं पता मेरा रूम इससे बहुत गंदा हो रखा है, मैं दिखा भी नहीं सकता इतना गंदा हो रखा है। सो अभी मैंने डिसाइड किया है मैं अपना रूम क्लीन करने वाला हूँ, साफ करने वाला हूँ, एंड जैसे कि आपको पता मैं ईगो डॉट लाया हूँ एलेक्सा, तो वो भी यहाँ पे लगेगी एंड थोड़ी वगैरह लाइट्स भी लाए हैं, तो तब देखते हैं कि कैसा होने वाला है रूम। रूम अभी कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो, थोड़ी देर के अंदर सही होने वाला है। In 3, in 2, in 1, in सबसे गंदी जगह मेरे रूम की थी वो जो मेरी टेबल है पढ़ने वाली, क्योंकि उस पर कोई पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि हम सब हमने वाली टेबल थी बेड वाले जो बेड पर रख के पढ़ते हैं हम सब उस पर पढ़ते हैं ना, मतलब ज़्यादातर लोग उस पर पढ़ते हैं हमारे हॉस्टल के, जितनी मेरे दोस्त जाते हैं उस पर ही पढ़ते हैं, क्योंकि टेबल पर ऐसा है कि सामान वामान रख दो सब, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। बट जब भी तो मैंने कहा सबसे पहले इसको साफ करना पड़ेगा, सबसे प्राइमरी टारगेट था कि इसको साफ करो, सबसे पहले मैंने उसको साफ किया। सारी बुक्स को मैं अलग रखता जा रहा था नीचे जमीन पर कि भाई ये वाली बुक इस कैटेगरीज में, ये वाली बुक इस कैटेगरी में, कि कौन सी पढ़नी है, कौन सी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ना, कौन सी आगे पढ़ने वाली है, या कौन सी जो अलग, जैसे हिस्टोग्रॉस और अपनी जो लैब्स की प्रैक्टिकल फाइल होती है वो उनको मैंने अलग सेपरेट किया, उनको अलग उनकी शेल्फ में बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे एंड ऑफ द डे अभी भी बिल्कुल मेरा रूम वैसे ही है ना, ऐसे नहीं मैंने गंदा कर दिया, अभी वैसा ही अच्छा है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा काम तो मेरी जो कवर्ड है उसको साफ करना, मैंने कपड़े वपड़े बाहर निकाल के उसको भी अच्छे से साफ कर दिया था, एंड तीसरा जो मेरा काम था वो काम था भाई नीचे की झाड़ू वाड़ू सही करना, क्योंकि उस समय ऐसा टाइम था कि ना तो हमारी जो काम वाली थी झाड़ू पोछा करती हैं वो वहाँ पे थी नहीं, तो भैया मैंने अपना हथियार अपने हाथ में लिया, मैंने कहा अब ये मुझे ही करना पड़ेगा, एंड ये सिद्धांत चारों के चारों, सिद्धांत तो लाइब्रेरी चला गया था, बाकी जो दो लोग हैं ये अपना आराम से सो रहे थे बैठ के, है ना, तो भाई मैंने अकेले पूरा साफ करने की कोशिश करी। इसको करने के बाद ये दोनों उठ के आए दीपांशु एंड प्रत्येक, उन्होंने कहा भाई हम लाइट लगवा देते हैं, तो मैंने कहा लाइट तो कम से कम लगवा दो, लाइट लगवाई और उसके बाद फाइनली गाइज जो मेरा रूम साफ हो गया था वो रूम कुछ इस प्रकार दिख रहा था। तो मतलब पहला ऐसे था और फिर ऐसे हो गया, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया। एक और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस इन दिनों, तो जिस दिन हमने रूम सजाया था ना बिल्कुल अच्छे से, मैंने अपना रूम बिल्कुल बढ़िया कर लिया था, उस दिन रात में 12 बजे हमारे एक दोस्त का, हमारे एक प्रिय दोस्त का बर्थडे था, एंड उस दिन हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था। वैसे तो जो उनके रूम में सेलिब्रेट होता है उसमें तो केक वेक मुंह में मारे जाते हैं, तो उस शांति प्रिय भाव से तो हम गए थे कि भाई हम शांति प्रिय भाव से ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, बट वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, केक वेक मुंह पे पड़े, हमारे भी पड़े, उसके भी पड़े, तो बड़ा गंदा संदा माहौल हो गया था, ठीक है। तो हमने अलग से एक्स्ट्रा अलग से केक रखा हुआ था कि मैं अपने रूम उसको चुपचाप बुला के शांति प्रिय भाव से केक कटवा देंगे, तो हमने उसका अलग से केक कटवाया था जिससे कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल शांति में, है ना, बिल्कुल 1-2 बज रहे होंगे रात के और बहुत अच्छा, देखो मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है इसमें, है ना, तो आराम से हमने चुपचाप से उसका केक कटवा लिया था। एंड भाई उसकी हमने उसको केक कटवाया, तो भाई पार्टी तो बनती है ना उसकी, पार्टी तो देनी बनती है ना उसको, तो अगले दिन भाई हम पार्टी भी ली थी हमने। आज हमारे प्रणव भाई का बर्थडे है एंड पार्टी हो रही है, आप जानते हैं आप। तो
इसके आगे की कहानी है टू बी कंटिन्यूड रहेगी, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, ठीक है। जिसके आगे का जो भी सीन हुआ होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा गाइज। विद दैट गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, सब्सक्राइब करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको फॉलो मार सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो। एंड जिसने अभी तक पिछला व्लॉग नहीं देखा जाकर जरूर चेकआउट करो, और इस वाले व्लॉग को जितने ज्यादा अपने मेडिकोस के अंदर और जितने अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। तो स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में।